गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी में हमने जितने चैप्टर पढ़े हैं वो, ठीक है, आज हम यहाँ पे जूलॉजी स्टार्ट करते हैं। जूलॉजी में सबसे पहले जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को अपने RBSC में इसमें क्या कर रखा है, 5 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है, 28, 30, 31, 32, 34 अलग अलग चैप्टर्स में दे रखे हैं। आज हम सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं 28, विच इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मीन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, किस तरह से बने होते हैं, उनमें क्या कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक डेफिनेशन आती है, व्हाट इज सेक्सुअल डाय मॉर्फिज्म। एक्चुअली क्या ह्यूमन बींग्स का एक बेसिक करेक्टर होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मीन्स होता है कि ह्यूमन बींग्स में मेल एंड फीमेल बोथ को हम उनकी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इनमें मेल कौन सा होता है, फीमेल कौन सा होता है। ओके, तो मेल एंड फीमेल को उनके आउटर करेक्टर के बेसिस पे, मीन्स मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट करना, दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ओके, और इसमें क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि सब मेल और फीमेल बोथ आर सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर एंड देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो हम करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है ना, व्हाट इज मेल ऑर्गन्स, क्या होते हैं। तो फर्स्ट नंबर एक है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, और सिस्टम को कहते हैं सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, एक्चुअली किसी एक फंक्शन को कंप्लीट करने में इफ मोर देन वन ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं दैट इज सिस्टम। जैसे नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करना है, उसमें क्या करना होता है कि सब मेल गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट बनना है, उनका नरिशमेंट है, उनका डेवलपमेंट है, उनका बॉडी से बाहर निकलना है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उसी एक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इसलिए इसमें क्या होते हैं, मोर देन वन ऑर्गन्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज सिस्टम। ओके, तो देन यहाँ पे हम बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले नंबर वन पे आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अपने कह सकते हैं दिस सिस्टम मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। नंबर वन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज टेस्टिस। वॉट इज टेस्टिस, अब कहते हैं कि मेल क्यों है, एक्चुअली में बेसिक इसलिए है क्योंकि ये मेल गैमिट को प्रोड्यूस करता है टेस्टिस। और आप जानते हैं कि कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमिट का डेवलप होना ही बेसिक फंक्शन होता है। तो बेसिक यहाँ पे जो मेल ऑर्गन्स होगा वो कौन सा होगा, टेस्टिस होगा। ठीक है, नंबर टू सपोर्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, विच इज फॉलोइंग टाइप्स। अब सपोर्टिव क्यों है, क्योंकि ये जो ऑर्गन्स का जो ग्रुप है ये ग्रुप क्या करता है कि स्पर्म को डेवलपमेंट में, फॉर्मेशन में, नरिशमेंट में, स्टोरेज में, इन डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है, इसको एक्सेट करना, रिलीज करना, ये सारे ऑर्गन्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इसलिए कौन सा हो गया, सपोर्टिव ऑर्गन सिस्टम हो गया। और इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है कौन सा, एपिडिडाइमस। ओके, फर्स्ट हो गया एपिडिडाइमस, सेकंड हो गया यहाँ पे वास डिफरेंस। ओके, थर्ड पे हो गया यहाँ पे यूरेथ्रा, फोर्थ पे हो गया यहाँ पे पेनिस, एंड थर्ड फिफ्थ पे हो गया यहाँ पे कौन सा, ग्लैंड्स, विच इज टू टाइप्स इन मेल। फर्स्ट हो गया कौन सा, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड सेकंड हो गया यहाँ पे काउपर्स और बल्बो
यूरिथ्रल ग्लैंड। ओके, तो ये कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो इनमें टू टाइप की होती हैं, कौन-कौन सी? प्रोस्टेट एंड कॉपर्स ग्लैंड होती है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स होती हैं। ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये क्या करती हैं, उसको नरिशमेंट में, नरिशमेंट तो नहीं कह सकते बस उसको एक्सेट करने में, नरिशमेंट में भी कह सकते हैं, और उसको मीडियम को न्यूट्रल बनाने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। तो फंक्शन में आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। अब इन सभी ऑर्गन्स को अपन क्या करते हैं, डायग्राम में डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा ऑर्गन्स कहाँ पे होता है, किस तरह से होता है। तो अब आप यहाँ पे डायग्राम किस तरह से बना रहा हूँ ये भी आपको एक बार देखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में एक डायग्राम को ड्रॉ करना होता है। तो किस तरह से अपने स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, देखिए जब भी हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम में बनाते हैं तो सबसे पहले अपने प्रोसेस में यूरिनरी ब्लैडर को ड्रॉ करते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर को ड्रॉ करने से पहले आपको बनाने पड़ेंगे यहाँ पे यूरेटर, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है। और ये यूरिन कहाँ से आएगा, ये आता है किडनी से आता है, किसके थ्रू आता है, यूरेटर के थ्रू आता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यूरेटर को ड्रॉ किया, ठीक है ना। और इसी के साथ आपने क्या किया, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर बना दिया आपने, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, ये भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स से फॉर्म्ड होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल जो मसल्स होती है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी होती है, जैसे इसमें यूरिन फिल होता रहेगा, ये अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेता है। तो हम कह सकते हैं इसमें स्ट्रेटिफाइड जो मसल्स होती हैं वो इसमें मिलती हैं, उसी से बना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपने क्या बना लिया, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर बना लिया। और जैसे जैसे आप इसको ड्रॉ करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप इसको लैबलिंग भी करते जाइए। यहाँ पे हो गया क्या, यू रेटर, ओके, और ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर, ओके, यूरिनरी ब्लैडर। देन यूरिनरी ब्लैडर से क्या होगा, देन यहाँ से ये इस तरह से ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर और डेवलप होती है इस तरह से। तो ये हो गया यहाँ पे यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ओके, देन यूरेथ्रा कन्वर्ट इनटू पेनिस, ये हो गया यहाँ पे क्या, पेनिस, पेनिस हो गया। देन पेनिस का अगर हम शेप देते हैं यहाँ पे, तो पेनिस का आप शेप इस तरह से दे सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्किन से क्या होता है, कवर्ड होता है इस तरह से, ओके, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको शेप दे सकते हैं। ये इसका हो गया ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस जो होता है वो परप्यूस नाम की पतली सी क्या होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है, स्किन होती है, परप्यूस से क्या होती है, कवर्ड होती है, क्योंकि इसमें सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। और ये सेंसरी ऑर्गन्स क्या करते हैं, पॉपुलेशन में एक्साइटमेंट क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉर्पोरा स्पंजियोसा होता है। तो वो मैं आपको जब इसके पेनिस का टेस्ट बनाएंगे उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। देन यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे ये जो पेनिस का जो लास्ट पार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से सेल लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं यहाँ पे, इस तरह से ओके, इस तरह से होता है। तो ये जो सेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज स्क्रॉटम, स्क्रॉटम। अब स्क्रॉटम क्या होता है, एक्चुअली में स्क्रॉटम जो होता है वो क्या करता है कि बोथ टेस्टिस को कंटेन करता है, ठीक है ना। एक्चुअली में क्या होता है कि मैमल्स में ये करैक्टर होता है, एक्सेप्शन है दो को छोड़कर, एलिफेंट एंड व्हेल, है ना। तो इनमें क्या होता है कि जो टेस्टिस होते हैं बॉडी के अंदर होते हैं, एब्डोमन के अंदर होते हैं, बट क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स में जो टेस्टिस होते हैं एब्डोमन से आउटसाइड में होते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और कहते हैं कि इस टेम्परेचर पे टेस्टिस जो होते हैं वो स्पर्म को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं कि मैक्सिमम मैमल्स में जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रॉटम वाले पार्ट में आ जाते हैं, जहाँ के बॉडी का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लो होता है, अपने कह सकते हैं 34 के अप्रॉक्स होता है। और इस टेम्परेचर में क्या होते हैं, स्पर्म इजली बन जाते हैं। अब ध्यान से सुनना है यहाँ पे, स्क्रॉटम की लोअर जो सरफेस होती है यहाँ पर, लोअर सरफेस यहाँ पर, ओके,
क्योंकि अपने को पोजीशन है एक्चुअली, ये रियल डायग्राम नहीं होता, ये होता है रेडियल डायग्राम होता है। रियल डायग्राम आपको बुक में मिलता है, यहाँ पे बोर्ड पे जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो वो हम रेडियल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जिससे कि अपने उसको रिप्रेजेंट कर सके कौन सा ऑर्गन्स कहाँ होते हैं। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे इसकी जो लोअर सर्फेस होती है स्कॉटम की, इसमें क्या होते हैं, इसमें मसल्स होती हैं विच इज डार्टोस मसल्स। डार्टोस मसल्स ओके। और ये जो मसल्स होती है इसमें कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी होती है, अगर कोई हिट करता है इस पर तो क्या करती है, श्रिंक हो जाती है। श्रिंक होने से क्या होता है कि जो हिट का जो प्रेशर होता है वो कम कर देती है, साथ साथ में ये क्या करती है उसको बैलेंस बनाने में भी क्या करती है, हेल्प करती है, दोनों का बैलेंस क्या रहे, इक्वल रहे। तो डार्टोस मसल्स हो गया। अब इसी डार्टोस मसल्स के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे अब देखना है, यहाँ पे ये होते हैं टेस्टिस ओके। आप इनको ओवल शेप में क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ये हो गया था टेस्टिस ओके। और टेस्टिस से क्या होता है कि यहीं से मैं आपको बता दूँ कि टेस्टिस जो होते हैं वो डायरेक्टली एब्डोमेन की मसल्स से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मसल्स होती है, यहाँ पे मैंने 3 ड्रॉप लाइनिंग की है, ये क्या होती है मसल्स होती हैं। इन मसल्स को हम बोलते हैं क्या, प्री मैस्टर मसल्स होती है। जो टेस्टिस होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट एब्डोमेन की मसल से अटैच होते हैं। एक्चुअली ये जो मसल्स होती क्या करती हैं कि विंटर सीजन में और समर सीजन में टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, क्योंकि आप जानते हैं विंटर सीजन में क्या होता है कि टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का भी बहुत ज़्यादा होता है और बॉडी का भी ज़्यादा होता है। तो उस समय कम्प्लीटली टेस्टिस को किधर की तरफ पुश करती है, स्क्रोटम की तरफ, डाउन साइड में, ठीक है ना। और उसके बाद में अगर हम देखेंगे विंटर सीजन में क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है, इस लो टेम्परेचर में क्या करती है, ये नहीं बनाती। तो उस समय क्या होते हैं, हल्के से अप साइड में मूव कर जाते हैं एब्डोमेन की तरफ। तो ये पुश करना या मतलब पुश एंड पुल करना, ये चीज़ें क्या करते हैं, ऊपर नीचे खींचने का काम करते हैं। देन क्या होता है कि जो प्रीमेस्ट्रल मसल्स होती है ये क्या होती है, कवर्ड होती है इस तरह से, ठीक है ना। और जिससे कवर्ड होने के बाद में एक कोड का फॉर्मेशन करती है, और इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलेंगे अपन इन्वीनल कोड क्या करता है, इसको अप डाउन करने में हेल्प करता है। इतना आगे क्लियर, अब सुनिए यहाँ पे आगे। अब एक्चुअली क्या होता है कि जैसे टेस्टिस होते हैं तो टेस्टिस से क्या होता है, कोमा शेप का स्ट्रक्चर निकलता है इस तरह से ओके। दोनों से कोमा शेप का एक स्ट्रक्चर निकलेगा इस तरह से। तो जो कोमा शेप का स्ट्रक्चर होता है दैट इज एपिडिडाइमस विच इज पार्ट ऑफ टेस्टिस, ठीक है ना। कोमा शेप का स्ट्रक्चर होता है, और इसी एपिडिडाइमस से क्या निकलती है, वास डिफरेंस निकलती है। देखिए वास डिफरेंस में आप क्या कहिए, एक को तो कर दीजिए हाफ और सेकेंड को कर दीजिए फुल, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे फुल कर दीजिए। अब आप ये भी देख सकते हैं कि सब ये वास डिफरेंस है वो डायरेक्ट इस यूरेथ्रा से अटैच हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। इसने भी क्या किया, इसने लंबी डिस्टेंस कवर करके फिर इसमें अटैच हुआ। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है क्योंकि स्पर्म को 72 आवर्स लगते हैं उसको बनने में। तो 72 आवर्स जितना लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही वो टाइम को भी स्पेंड कर पाएगा, और जितना टाइम ज़्यादा स्पेंड करेगा उसमें मैच्योरिटी या मैच्योरेशन क्या होता है बहुत ज़्यादा आपको बताएंगे। एक टॉपिक आता है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का मींस क्या होता है कि स्पर्म भी जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेसिटेशन गेन करते हैं, पर वो कहाँ करते हैं कैपेसिटेशन, ठीक है ना। तो जब तक कैपेसिटेशन नहीं होगा वो एग को फर्टिलाइज भी नहीं कर पाता है। तो ये जो टाइमिंग आप देख रहे हो ना, इतना डिस्टेंस कवर करना प्लस स्टोर होना, पहले यहाँ पे एपिडाइड में इसमें स्टोर हो गया, फिर जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, जगह जगह पे स्टोर होता रहता है, डिस्टेंस भी कवर करता है, केवल एक होता है इसको मैच्योरेशन प्लस उसको नरिशमेंट मैक्सिमम मिल, ठीक है ना। तो वैसे तो डायरेक्टली आपको ओपन हो सकता था, यहाँ पे आके यहाँ पे अटैच हो सकता था, लेकिन नहीं, मैच्योरेशन के लिए इतना टाइम कवर करता है, या आप कह सकते हैं डिस्टेंस कवर करती है। और साथ साथ में आप ध्यान रखना 72 आवर्स लगते हैं स्पर्म के फॉर्मेशन में, ठीक है ना। बुक में लिखा हुआ है इसलिए इस चीज़ को ध्यान से सुन पढ़ना इस चीज़ को। अब देखिए ये वास्ट डिफरेंस जो होगी ना वो
क्या करेगी, इस यूरेटर को कवर करेगी, यहाँ से देखिए कवर कर लिया इसको कम्प्लीटली, बाइंड लेके आएगी। एक यूरेटर को क्या करेगी, एक तो वास डिफरेंस इसको कवर करेगी, दूसरी वास डिफरेंस इस सेकेंड वाले को करेगी। तो बुक में क्या कर रखा है, इसको इस तरह से दे रखा है जिससे कि एक ही यूरेटर आपको दिखाई दे और दूसरी वाली बैक साइड में होगी। अब देखिए यहाँ इसको लैबिंग कर लीजिए, ये क्या हो गया वास डिफरेंस, ठीक है ना, वास डिफरेंस हो गया। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे कि जैसे ही ये क्या होगा कि वास डिफरेंस को क्रॉस करेगी और क्रॉस करते ही यहाँ पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, ये देखिए पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, दैट इज सेमिनल वेसिकल, या सेमिनल वेसिकल भी कहते हैं इसको। इट इज ऑल्सो एंडोक्राइन या अपने कह सकते हैं ग्लैंड, ओके ग्लैंड के फॉर्म में, क्योंकि ये सीमेन को प्रोड्यूस करती है और सीमेन जो यहाँ पे बनता है वो बनता है कितना 70% बनता है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कौन सा कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा, सीमेन का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, कौन सा नाम होता है इसमें, सेमिनल प्लाज्मा, ओके इसका केमिकल कंपोजिशन भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए एंटर तो हुई इसमें वास डिफरेंस किसमें, सेमिनल वेसिकल में, और जब एग्जिट होगी ना इससे ट्यूब उसको बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। तो क्लियर हो गया इजैकुलेटरी डक्ट में और सेमिनल वास डिफरेंस में क्या डिफरेंस, मतलब डिफरेंस होता है, ये चीज़ें क्या होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमें पता नहीं होती कि वास डिफरेंस क्या क्या होता है और इसके अलावा इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है। तो दोनों में डिफरेंस, एंटर होगा तो वास डिफरेंस, एग्जिट होगा तो इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट जो होगी ना आगे चल के किस में ओपन होगी, आगे ये ओपन होती आगे यूरेथ्रा में। तो देखिए जहाँ भी जंक्शन होगा ना, आप इसको डबल कर लीजिए तो बेटर रहेगा, यहाँ पे आप इसको डबल कर सकते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे डबल लाइन हो जाएगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ इसमें ये डबल चल रहा है, एक ट्यूबलाइन स्ट्रक्चर बन जाएगी, यहाँ बन गया डबल क्योंकि ट्यूबलाइन स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब ये जंक्शन होता है ना, जहाँ पे कौन सा जंक्शन, इजैकुलेटरी डक्ट, ओके इसका नाम क्या होता है, यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट, ओके। तो जहाँ पे जंक्शन पॉइंट होता है ना वहीं पे क्या होगा, तो यहाँ पे आके कौन सी ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। यहाँ तक ना ओल्ड एज में इस प्रोस्टेट ग्लैंड का कोई रोल नहीं होता है, आफ्टर 60 इयर्स के बाद में इसमें क्या होगा कि ये इसमें इस ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग आने से जो यूरेथ्रा है वो श्रिंक हो जाता है। जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें कॉमन डिजीज होती है यूरिन रिलीज करने की, कि उनमें यूरिन को रिलीज नहीं कर पाते हैं, ड्रॉप के फॉर्म में यूरिन निकलती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड को यहाँ पे किसी भी मैनुअल ऑपरेशन थ्रू या फिर अपने कह सकते हैं कि लैप्रोस्कोपी के थ्रू किसी के भी थ्रू क्या करते हैं उसको एग्जिट आउट कर देते हैं, रिलीज होने से कट आउट कर देते हैं उसको, उसको निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये एक कॉमन डिजीज होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बोला कि जो फंक्शन सेमिनल वेसिकल का होता है वही फंक्शन किसका होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है। आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके तो प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। अब क्या होगा, ये भी सीमेन का फॉर्मेशन करेगा, पर कितना करेगा 30%। अच्छा ये रेशियो है ना वो आपको ध्यान रखना है कि सेमिनल वेसिकल तो करता है 70% अप्रॉक्स और प्रोस्टेट ग्लैंड करती 30% अप्रॉक्स, ठीक है ना। और इसी के तक पास में यहाँ पर डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर होती है कौन सी टू ग्लैंड्स होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है वही काउपर्स और बल्बो यूरीथ्रल ग्लैंड, ओके। तो काउपर्स एंड बल्बो यूरीथ्रल ग्लैंड के जो बेसिक फंक्शन होता है ये केवल पॉपुलेशन के टाइम पे एक्टिवेट होती है। इसके थ्रू एल्कलाइन लिक्विड, मतलब बेसिक लिक्विड क्या करता है, रिलीज करता है। एक्चुअली क्या होता है कि यूरिन हम रेगुलर रिलीज करते रहते हैं तो उसका मीडियम जो होता है वो एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक मीडियम में जो स्पर्म होते हैं वो मर जाते हैं,
उनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए क्या करता है कि जब भी स्पर्म रिलीज होंगे उससे पहले ये ग्लैंड एक्टिवेट होगी, तो एक तो बेसिक लिक्विड को रिलीज करेगा, इससे क्या होगा एसिड है वो बेसिक से क्या होगा न्यूट्रल हो जाता है, तो बात कैसा हो गया न्यूट्रल हो गया। सेकेंड पॉइंट, इससे एक लुब्रिकेशन भी निकलता है, जो लुब्रिकेशन क्या करता है कि ग्लांस पेनिस को प्लस वेजाइना को लुब्रिकेट करता है, जिससे कॉपुलेशन प्रोसेस भी क्या होती है इजी होती है। ऐसे क्या होता है फीमेल में भी ग्लैंड होती है, बार्थोलिन ग्लैंड होती है, तो बार्थोलिन ग्लैंड का भी वही रूल होता है कौन सा, जो किसका होता है काउपर्स ग्लैंड का होता है, ठीक है ना। दोनों सिमिलर होती है वहाँ, उनमें एक ही ग्लैंड होती है, बट अपने में कितनी होती है मेल में दो होती है यहाँ पे आप कह सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा एक मैंने आपको डायग्राम बता दिया, इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कौन सी मसल्स कौन सा ऑर्गन्स कौन सी क्या स्ट्रक्चर कहाँ पर होती है, वो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, अब आप इसमें देख सकते हैं। और इसी के बेस पे आपको क्या करना है एग्जाम में डायग्राम बना के, और ध्यान रखना मैक्सिमम आपको लेबलिंग करनी होती है, आपको बताना, जिससे क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है ना वो केवल डायग्राम को देखकर उसको पता रहता है, जब डायग्राम सही होगा तो थ्योरी ऑटोमेटिक ही क्या होती है सही होती है, इसलिए डायग्राम को ज़्यादा सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और डायग्राम बहुत अच्छे बनाने हैं, अच्छे का मतलब लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, बस इतना है। अब अपने क्या करते हैं इसको हमने डिटेल में स्टडी करते हैं। क्या करते हैं कि जो आगे वाला टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ, ओके।